आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज नेचर स्ट्रेजर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पोई की। बैसेला एल्बा बैसेलिसी फैमिली का प्लांट और कई प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। इसके पत्र का हम लोग साग बनाकर सेवन करते हैं। इसके पत्र से हम लोग डिशेज तैयार करते हैं, पकौड़े बनाते हैं, सूप बनाते हैं। कई प्रकार से गाँवों में, शहरों में उपयोग में लाया जाता है। सुंदर बेल है, पान के जैसे इसके पत्ते हैं और न्यूट्रिएंट्स से परिपूर्ण ये पत्ते होते हैं। विटामिन ए, ई, के और कई मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज इसमें पाए जाते हैं। शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने का कार्य करते हैं, बोन डेंसिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं और शरीर के टॉक्सिन्स को, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, नाइट्रोजन स्पीसीज और समय समय पे मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में तैयार होने वाले फ्री रेडिकल्स को भी बाहर निकालने का कार्य करता है। काफ़ी अच्छा ये बेल है और क्लाइंबर है। इसको आप कैसे और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इसके पत्र का पेस्ट बनाकर आप चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा की कांति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। पिंपल्स अगर हो गए हों, पिंपल्स को भी ठीक करते हैं। पिंपल्स की समस्या हो या फोड़े फुंसे की जो समस्या होती है, आसानी से ठीक हो जाती है। तो मित्रों, आप क्या कर सकते हैं फास्ट हीलिंग के लिए, एक तो इसके पत्र का पेस्ट बनाकर आप अपने पिंपल्स पे लगाइए। कहीं फोड़ा फुंसी हो गया है, उसको पेस्ट को बनाकर लगा दीजिए। साथ ही साथ 10 ml इसके पत्र का जूस भी आपको पीना चाहिए। पत्र का जूस लेग्जेटिव का कार्य करता है और काफ़ी सेफ लेग्जेटिव है। ये पेट को साफ करते हुए आपके टॉक्सिन्स को भी साथ साथ निकालता है, लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है। मित्रों, जब टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं, लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, ब्लड प्यूरीफाई हो जाता है, तो इस प्रकार के होने वाले पिंपल्स और बॉयल्स की समस्या परमानेंटली ठीक हो जाती है, अच्छे से ठीक हो जाती है और बार बार होती भी नहीं है। अन्यथा आप देखेंगे कि कोई भी आप कॉस्मेटिक्स अगर मार्केट से लेते हैं और आप उसको सिर्फ फेस तक अप्लाई करते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो दोबारा हो जाती है। तो परमानेंट समाधान के लिए आपको पहले बॉडी के टॉक्सिन्स को भी साथ साथ निकालना पड़ेगा ताकि हीलिंग अच्छी हो, ना केवल सुपरफिशियल हीलिंग हो, सिर्फ पिंपल्स तक ही ना हो, पिंपल्स या बॉयल्स के हील करने तक ही ना हो, अन्यथा कंप्लीट हीलिंग अपने को आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार का ही कार्य करता है। इसके साथ साथ अगर बर्न्स की समस्या है, कहीं जल गया है, तो इसके जूस में आप बटर मिलाकर अप्लाई कीजिए। बर्न्स को हील करने का कार्य करता है। स्किन इरिटेशन हो गई है, अर्टिकेरिया की समस्या है, उसको भी ठीक करता है। मित्रों, इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी के बढ़ाने के साथ साथ एफ्रोडिसिक प्रॉपर्टीज़ इसके जूस की होती हैं, जो शरीर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का कार्य करती हैं, मेल फर्टिलिटी को एनहांस करने का कार्य करती हैं, बढ़ाने का कार्य करती हैं और सेक्सुअल लिबिडो को भी बढ़ाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार से ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने का और एफ्रोडिसिक एक्टिविटी शो करने का भी कार्य करता है। एफ्रोडिसिक एक्टिविटीज़ की होती हैं। मित्रों, इसमें थोड़ा सा ध्यान ही रखना पड़ेगा कि अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप आपको रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा मात्रा में इसके जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। कंट्रोल्ड अमाउंट में 5 से 10 ml तक आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में, इससे ज़्यादा आप लेते हैं लंबे समय तक, तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और इसकी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए, निमोनिया की कंडीशंस के लिए, बार बार होने वाले बुखार के लिए, पेट के कीड़ों के लिए, इन सब के लिए इसका पत्र का जूस बहुत अच्छा कार्य करता है। इसकी जड़ का जूस आप निकाल लें और उसमें चावल के धोवन का पानी मिलाकर सेवन करें तो मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज़ को ठीक करता है। इसके साथ साथ लिक्योरिया की समस्या आसानी से ठीक हो जाती है। शरीर के जेनाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है और फर्टिलिटी को भी बढ़ाने का कार्य करता है। फीमेल हॉर्मोन्स को भी ये रेगुलेट करता है और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स से भी निजात दिलाता है। मित्रों, प्रेगनेंसी के समय कॉन्स्टिपेशन की समस्या एक साधारण समस्या है, उस समय आप ज़्यादा लेग्जेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पेट को साफ करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में सेफेस्ट रेस्क्यू जो आपके पास है वो तो इसके पत्र के जूस हैं। 5 से 7 ml इसके पत्र का जूस आप पीजिए, प्रेगनेंसी के समय होने वाले कॉन्स्टिपेशन को आसानी से
ठीक कर देता है, शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने का कार्य करता है और बार बार होने वाले बुखार से आपको बचाता है। निमोनिया की कंडीशन हो वहाँ भी इसकी अच्छी पोटेंसी होती है, हीलिंग पोटेंसी होती है, ब्लड के प्योरीफिकेशन में काफ़ी अच्छा कार्य करता है। बहुत अच्छा ये प्लांट है, घरों में गमलों में आसानी से आप लगा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार बरसात के मौसम में बहुत अच्छी इसके लीव्स आ जाते हैं, आप इसको पेस्ट बनाकर, चटनी बनाकर, पकौड़े बनाकर और किसी भी प्रकार से आप इसका जूस पी सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, आपके उत्तम स्वास्थ्य में विशेष सहायक रहता है। कल फिर एक नई प्लांट की चर्चा हेतु मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो अवश्य साझा कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।